नमस्कार, आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, जयपुर को खासतौर पे जयपुर के परकोटा को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर की सूची में ऐड किया और मैंने आपको चार धरोहरों के बारे में बताया था। टोटल 37 जितने धरोहर हैं भारत के, जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में सूचीबद्ध किया है, अपनी जगह दी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि भारत में जो विविधता है उसे जब तक आप इंजॉय ना करें तब तक विश्व के किसी और देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बात करता हूँ एल्लोरा की गुफाओं की। जी हाँ, आप स्कूली जीवन में भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। एल्लोरा या एल्लोरा मूल नाम है वेरुल, एक पुरातात्विक कह सकते हैं ऐसे स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसे बनवाया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एल्लोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर है। यहाँ पे 34 जितनी गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 जितनी गुफाएं जो हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं। आपको बताना चाहता हूँ 17 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो अगर आप एल्लोरा की गुफाओं का अगर आपने अभी तक दर्शन नहीं किया है, वहाँ पे नहीं गए हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाएं और इसको भी आप डेफिनेटली विजिट करना मत भूलिएगा। साथ साथ में बात करता हूँ आप दूसरी एक ऐसी जगह की, बोध गया की। जी हाँ, बिहार में गया में स्थित ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बोधि वृक्ष है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग विजिट करते ही करते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2002 में इसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में ऐड किया था। वैसे ही बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। गुजरात में भी एक सूर्य मंदिर है, अगर आप कोणार्क नहीं जा सकते तो आप गुजरात के सूर्य मंदिर को विजिट करना मत भूलिएगा, जिसकी रचना इस तरह से की गई है कि सूर्य की पहली किरण जो है वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में आया है और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1984 में यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर की सूची में ऐड किया था। जिन्हें स्थानीय लोग सूर्य भगवान का इस मंदिर है, इसको स्थानीय लोग बिरंची नारायण के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ हो गया था और भगवान सूर्य नारायण की जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे ये कोढ अच्छा हुआ था। सूरत जो सूर्य नगरी भी कही जाती है, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है, किंवदंती है कि सूरत पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो विशेष प्रकार की होती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का पूरा परिवार, अश्विनी कुमार जो सूर्य पुत्र हैं वो और सूर्य पुत्री जो तापी है, उनका वास जो है वो सूरत में है। इसीलिए यहाँ पे सूर्य की विशेष किरणें पड़ती हैं और इसीलिए डेवलपमेंट में, विकास में सूरत विश्व के बहुत ही जाने माने शहरों में से एक है। साथ साथ में अब बात करते हैं लाल किले की, जो दिल्ली में स्थित है। लाल किला जो लाल कलर के पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। इसे बनवाया था 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने ऐड किया था। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप की। जी, सांची का स्तूप जो है, अगर आपने ये भी विजिट नहीं किया, और मध्य प्रदेश इस मामले में बड़ा ही धनी है क्योंकि यहाँ पे वैश्विक धरोहर की बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे कि रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है सांची, और वहाँ पे ये भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है और मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची में रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है, यहीं एक महान स्तूप स्थित है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हुए हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। सांची का महान स्तूप जो है मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में बनवाया था। तो भाई सांची का स्तूप जो है उसकी विजिट करना भी आप ना भूलें। और इसी तरह से और भी जो विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध स्मारक है उनके बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे। आज की बात मीत मिश्रा के साथ में, बस लोक तेज में हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।